ठीक है, तो देखें हम आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, तो जो एक्टिविटी होता है आइडियल गैस के लिए, एक्टिविटी किसके बराबर होता है? एक्टिविटी प्रेशर के बराबर। ठीक है, एक्टिविटी किसके बराबर होता है? तो प्रेशर के बराबर होता है। इसलिए आइडल आइडियल गैस के लिए हेंस बराबर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं एक्टिविटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसका मतलब क्या है? प्रेशर हाँ, प्रेशर बढ़ेगा तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और प्रेशर घटेगा तो एक्टिविटी घटेगी। बोलो क्लियर है ये चीज? यहाँ पे हम लोग ए इज इक्वल टू स्मॉल आर पी लेते हैं। देखो तुम स्मॉल आर पी, आर क्या होता है? आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो वो है साइन है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलोगे? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलो, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा, एक्टिविटी को इफिशिएंट। क्लियर है? आगे देखें तो रिलेशन बिटवीन फिजिसिटी एंड एक्टिविटी को इफिशिएंट ऑफ अ गैस, रिलेशन बिटवीन फ्यूजिसिटी एंड एक्टिविटी, फ्यूजिसिटी एंड एक्टिविटी को इफिशिएंट, एक्टिविटी को इफिशिएंट ऑफ अ गैस। किसी गैस के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, उसका फ्यूजिसिटी एंड एक्टिविटी को इफिशिएंट। अभी तक देखिए हम लोग फ्रीजेसिटी और एक्टिविटी में रिलेशन, इससे पहले वाला वही स्लाइड, लेकिन अब रिलेशन देखते हैं आर और एफ में रिलेशन क्या है। तो देखो तो फॉर आइडियल गैस के लिए फ्यूगेसिटी किसके बराबर होता है? प्रेशर के इक्वल होता है। आइडियल गैस के लिए देखें तो एक्टिविटी भी प्रेशर के इक्वल होता है और फ्यूगेसिटी भी प्रेशर के इक्वल होता है। आइडियल गैस में बिहेव एज एन आइडियल गैस इन वेरी लो प्रेशर, व्हेन फ्यूगेसिटी कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एंड जब रियल गैस को वेरी लो प्रेशर पर रखी तो वह भी आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज को करता है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, क्या कर दिया? अब देखो तो जो रियल गैस है उसको अगर हम वेरी लो प्रेशर पर रखते हैं, ठीक है, तो वेरी लो प्रेशर पर रखेंगे तो वह आइडियल गैस के समान व्यवहार। ठीक है, हेंस लो टेम्परेचर पर क्या होगा, तो जो फ्यूगेसिटी है दैट इज इक्वल टू
पी क्यूबेसिटी बराबर होगा किसके प्रेशर है एंड व्हेन जहां पे ये कब रहेगा ऐसा तो पी जो है वह जीरो से लगभग जीरो हो या जीरो से थोड़ा हो ठीक है तो पी का जो वैल्यू है वह जीरो की ओर अगर होता है तब के कंडीशन में ये रिलेशन हम दे सकते हैं ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिटेशन डालना पड़ेगा हमको इसमें तो इसको लिख सकते हैं लिमिटेशन एफ बाई पी और ये लिमिटेशन कहां से कहां रहेगा जीरो टू वन और इक्वल टू वन देखो क्या किया है एफ है पी को नीचे ले आया दैट इज इक्वल टू यूनिटी और क्या है इधर इसका लिमिटेशन है पी पी का जो वैल्यू है वह जीरो की ओर रहेगा तो ऐसा इसको लिख सकते ठीक है इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है तो क्यूबिसिटी और जो प्रेशर है वह एक दूसरे के इक्वल होंगे या इनका रेशियो वन होगा कब जब प्रेशर का जो वैल्यू है वह जीरो की ओर बढ़ता है तब ये रिलेशन का यूनिटी एक कब आएगा एक कब आएगा ये और ये दोनों बराबर होगा तो दोनों कट जाएंगे एक एक ना एक तभी ना एक आएगा ठीक है तो जो चीज बोला वो चीज यहाँ पे दिख रही है क्लियर है एफ बाई पी इज इक्वल टू या इसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एफ बाई पी इस कॉल्ड एक्टिविटी इस कॉल्ड एक्टिविटी को इफिशियंट यानी क्या होता है तो को इफिशियंट ऑफ गैस गैस के लिए को इफिशियंट ठीक है मतलब एफ ऑफ पी का रेशियो जो है वह क्या होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है गैस के अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो आर इज इक्वल टू एफ बाई आर इज इक्वल टू एफ बाई पी जहां पे कौन क्या है ये क्या है बोलो क्लियर है इस चीज के लिए बताया था हम लोग की इसका कंक्लूजन दे दें तो इसको हम बता सकते हैं कि वेरी लो टेम्परेचर पर लो प्रेशर पर वेरी लो प्रेशर पर क्या होता है रियल गैस का प्रॉपर्टीज आइडियल गैस के जैसा होता है जिसमें या जिसके लिए क्या बोलोगे एक्टिविटी को इफिशिएंट एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना होगा
कितना होता है? वन होता है, दिख रहा है ना? इसी की जगह पे तो आज लिखे हैं हम लोग, समझ में आया? तो वही चीज है, तो दैट रिलेशन इज इक्वल टू दिस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए कोएफिशिएंट क्या होता है? यूनिटी होता है। दूसरा, प्रेशर को इंक्रीज करने से आर का वैल्यू क्या होगा? यूनिटी से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तथा तथा क्या बोलोगे? गैस का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे क्या हो जाएगा? जो आइडियल गैस का नेचर है, जो रियल गैस था वो आइडियल गैस के समान व्यवहार कर रहा था, तो रियल गैस का नेचर आइडियल गैस से बढ़ते जाए, ठीक है? तो इससे हम लोग फाइनल क्या बोल सकते हैं? तो उसका यूनिटी भी बढ़ेगा, मतलब जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी सॉल्यूशन के नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्टिविटी को इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है? देखो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होंगे? तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो यहां से है हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक्टिविटी है उसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द
determination of activities of individual ions is not possible because the ion cannot be isolated. But strong electrolyte के लिए बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंडिविजुअल नीचे इंडिविजुअल विद्युत अभ्यक्त फैक्टर सुने हो इसको बोलते हैं विद्युत अभ्यक्त चलो इसको देखो क्या बोलना है बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंडिविजुअल आयंस का एक्टिविटी चलो क्या बोला मैं तो इंडिविजुअल आयन का एक्टिविटी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हाँ, इसमें देखो तो क्या बोल रहा है तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है के लिए इंडिविजुअल आयंस का एक्टिविटी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि आयंस को आइसोलेट नहीं किया जा सकता किया जा सकता बोलो ये चीज क्लियर है अब यहां पे थोड़ा सा चीज सुन लो तो इलेक्ट्रोलाइट सुने हो इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं तो सिंपल सी चीज है अगर ए भी कोई कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है वह अगर ए प्लस बी माइनस में टूटता है भले धीरे टूटे या जल्दी टूटे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो कि ए और बी से टूटता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है वीक एसिड कौन सा है एसिडिक एसिड वही है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है मतलब वह पूरी तरह से आयनल नहीं कर पाता
मान लो 100 मॉलिक्यूल आप क्या दिया, एसिटिक एसिड दिया, तो उसमें से 100 के 100 मॉलिक्यूल आयंस में नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लेते हैं CH3COOH, और ये क्या होता है, तो यह H प्लस और CH3COO- में टूटता है, ठीक है। लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम टूटेगा, ठीक है, बहुत कम कहने का मतलब, मान लो इसको मैं 100% लिया, तो उसमें से लगभग 30% या 20 से 30% ही इस आयंस में विभाजित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे ही HCl इसका एग्जांपल होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ये अगर 100% लें तो यह 8200% हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको यहीं से समझो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, एक्टिविटी को इजीली डिटरमाइन कर सकता, क्यों कर सकते हैं, बोले जैसा का कैसा ही रहेगा सॉल्यूशन, यानी से निकाल करके उसे एक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, आयरन 100% हुआ, अब ये तो टूट गया ना, HCl का प्रॉपर्टीज अलग होता है, H का प्रॉपर्टीज अलग, Cl का प्रॉपर्टीज अलग, इसको पकड़ करके हम उस सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते मतलब पर्टिकुलर आयन के लिए एक्टिविटी हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन HCl के लिए एक्टिविटी आसानी से ज्ञात कर सकते। HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका तुम एक्टिविटी आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इस HCl से बनने वाला जो आयन है इसका आइसोलेशन संभव नहीं है, इसलिए इसका H प्लस का अलग से एक्टिविटी, Cl माइनस का अलग से एक्टिविटी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि H प्लस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ना ही Cl माइनस को आइसोलेट कर सकते। रीजन समझ में आया पूरा, क्लियर है, तो इस बेसिस पर पता है। आगे देखें, लेट अस कंसीडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंसीडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक कंसीडर करते हैं यहां पे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं ए एक्स है और बी वाई, एक्स और वाई क्या दिखाते हैं, ऐसा लिखते हो ना, हाँ, तो इसके स्टिकियोमेट्रिक रेशियो को दिखाते हैं, स्टिकियोमेट्रिक एक बार लिखे थे यही थे, स्टाकियोमेट्रिक करके बोले थे, याद है, हाँ, तो ये स्टाकियोमेट्रिक रेशियो को दिखाते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन लेते हैं इसका, सॉल्यूशन तो देखो, तो ये सॉल्यूशन कैसे टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ए एक्स बी वाई यह टूटेगा, किस में टूटेगा, एक्स ए प्लस में वाई बी माइनस, क्लियर है, स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो है तो उसको सामने में लिखते, ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। अब देखो, मान लो इसके लिए एच सी एल लेता, स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो का अगर दिखाना है तो कैसे लिखूंगा, बस वही चीज लिखा है, समझ में, तो ये होता है स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो, एक्स का जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या मान सकते, वन, तो वन है तो वन को सामने लिखूंगा, इसको लिखूं तब भी ठीक, नहीं लिखूं तब भी ठीक, क्लियर है, तो ये हो गया। It's
एक्टिविटी इज गिवन बाय, देखो तो इसके एक्टिविटी को हम दे सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। तो इसके एक्टिविटी को हम किस रिलेशन से देते हैं, किसको देते हैं, तो ऐसा लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे दे सकते हैं, तो ए क्या दिखाता है, एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो एक्टिविटी कंप्लीट एक्टिविटी किसकी एक्टिविटी को, इसके दैट इज इक्वल टू, इसको दिखाते हैं, ए प्लस का एक्टिविटी और एक्स ऊपर में इनटू ए माइनस का एक्टिविटी इनटू ऊपर में, ऐसे इसको दिखाया जाता है, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन वन। कौन क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है ए, क्या होता है ये, तो ये होता है एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है ये, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए प्लस क्या होता है बोलो, गुड, एक्टिविटी ऑफ एन आयन, क्योंकि प्लस आयन है तो किसके लिए है, केटायन, वहां पे हम लोग एच प्लस आयन नहीं बोल रहे क्योंकि वहां पे हमको पता ही नहीं है, या प्लस आयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केटायन। उसके बाद बोलो ए माइनस क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ एन आयन, बोलो इतना समझ में आया। यहां लिख सकते हैं इक्वेशन वन को डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हैं, के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। The mean activity of an electrolyte is defined by the mean activity of electrolyte, of electrolyte is defined by मीन इलेक्ट्रिविटी, इलेक्ट्रोलिटी सॉरी क्या है, एक्टिविटी, मीन एक्टिविटी इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिखा सकते हैं ऐसा, ए प्लस माइनस, ए प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू ए वन बाय न्यू, वन बाय न्यू, जहां पे ये इसको इक्वेशन टू दे देते हैं, जहां पे कौन क्या है इस चीज को देखें, तो इस चीज को हम बता सकते हैं कि ए प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए क्या होता है, तो ये होता है एक्टिविटी ऑफ द सम सेम इलेक्ट्रोलाइट, एक्टिविटी of the same electrolyte, और mu क्या है, तो mu है total number of ion, total number of ions furnished by one mole of the वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या बोल रहा है, म्यू क्या होता है, म्यू होता है टोटल नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ आयन होता है, कौन सा, न्यू, न्यू है ना, म्यू तो है नहीं, म्यू को कैसे लिखते हो, ये है म्यू और ये है न्यू,
इक्वेशन टू कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट केस. इसको डिफरेंट डिफरेंट केस में यूज करते हैं, जो कि नीचे हम लोग एक्सप्लेन करें. केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट केस जो है वह कहां है हमारा, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और जिसको ए बी से डिनोट किया जाता है, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग ए बी से डिनोट कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखें इसका, तो ए बी होता क्या है, तो NaCl, KCl, ठीक है, HCl, ये होते हैं हमारे कौन से, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. ये कैसे आयनाइज होंगे, तो ए बी जो है वह आयनाइज होगा ए प्लस प्लस बी माइनस, ऐसा ही होता है, जहां पे न्यू का जो वैल्यू है, न्यू का वैल्यू क्या लिखे हो, टोटल नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मोल में कितने आयन बने, दो आयन, तो देखो वन प्लस वन इक्वल टू टू, मतलब न्यू इज इक्वल टू टू. क्लियर है, एक मोल में दो ही आयन बनेंगे, तो ये हो गया. नाउ मींस हेंस न्यू एक्टिविटी वैल्यू क्या होगा, मीन एक्टिविटी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस, ये होता है मीन एक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू ए, और देखो वन बाई न्यू, वन बाई न्यू मतलब वन बाई टू. ठीक है, वन बाई टू मतलब यही होगा, और क्या लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस ए माइनस, दो आयन था, ए जो है वह दो भाग में टूटता है, ए प्लस और ए माइनस, तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं. किसके लिए, यूनिवेलेंट के लिए मीन एक्टिविटी. ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन थ्री. ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं इक्वेशन थ्री इज क्या है, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, क्या है, मीन एक्टिविटी. बोलो क्लियर है ये चीज, तो थोड़ी है वो. केस टू, केस टू में देखिए, केस टू में बता सकते हैं हम लोग बाई वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बाई वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिनोट करोगे, ए टू बी टू, ऐसे ही होगा, कैसे होंगे ये, तो देखो तो ए टू बी टू ये आयनाइज होंगे किसमें, टू ए प्लस टू बी माइनस. ठीक है, न्यू कितना होगा, टू इसमें है तो टू प्लस टू, मतलब यहाँ पे न्यू में जोड़ेंगे किसको, तो जो सामने में रहेगा स्टोटोमेट्रिक जो रहेगा बस उसी को. ठीक है, ये हो गया क्या, टू प्लस टू, तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू
होगा। मीन एक्टिविटी क्या हो जाएगी इसके लिए, मीन एक्टिविटी ए प्लस माइनस इज इक्वल टू बोलो ए वन बाई फोर, ए वन बाई फोर। यही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का स्क्वायर इंटू a माइनस का स्क्वायर इंटू वन बाई फोर, ये लिख सकते हैं। ये हो गया, ये माइनस रहेगा यहां और ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन दोनों को मिला करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इधर को मिटा देते हैं। टेस्ट थ्री में क्या देखते हैं हम लोग, तो जनरल इलेक्ट्रोलाइट और जनरल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए एक्स बी वाई से। तो यहां पे ए एक्स बी वाई कैसे आयोनाइज होगा, तो एक्स ए प्लस कैसे आयोनाइज होगा, एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस। ठीक है, न्यू का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा न्यू का वैल्यू बोलो, वन होगा। अंधे भैरे काने लोग, एक्स दिख रहा है वाई दिख रहा है, क्या लिखो गया एक्स प्लस वाई, क्या लिखो गया इसको फाइनली, न्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वन 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 कहां से दिख रहा है, वहां पे कोई स्पेशल वो लगा हुआ है क्या, तो एक्स है वाई है। चलो इसके लिए मीन एक्टिविटी क्या होगा, मीन एक्टिविटी क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस इज इक्वल टू ए वन बाई एक्स प्लस वन, यही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है ए प्लस माइनस इज इक्वल टू, इसके लिए देखें तो लिख सकते हैं ए प्लस का एक्स इंटू ए माइनस स्क्वायर में वाई, और इसके होल के स्क्वायर में रहेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और देखो तो ये इस साइड ले आओगे क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस का घात में हो जाएगा x प्लस वाई, वन बाई भी है। इस साइड लाओगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, एक के बटे में है, अब एक नीचे आ जाएगा और बटे वाला ऊपर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू a प्लस x इंटू a माइनस वाई।
ठीक है, इसमें आगे देखते हैं तो ये है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट किसके लिए देखते हैं तो एक्स बी वाई के लिए, कैसे ऑनलाइन हो रहा है एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं मोबिलिटी बिफोर, मोबिलिटी बिफोर बिफोर मतलब किसके आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के पहले इसका मोबिलिटी कितना है तो इसका है एम, मोबिलिटी को एम से दिखाते हैं तो मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाने की एबिलिटी को हम बोलते हैं मोबिलिटी, ये होता है एम। और इनका कितना है क्यों होगा क्या लिखे हो पहले पहले इसलिए मतलब अभी आयनाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, समझ में आया, तो आयनाइजेशन शुरू नहीं हुआ है तो ये तो बना ही नहीं है तो इसकी मोबिलिटी कंप्लीट है तो एम लिख दिए, इनका क्या है तो जीरो है ये। तो आफ्टर आयोनाइजेशन मोबिलिटी क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जीरो होगा, ठीक है। और उनका क्या हो जाएगा, एम होगा ना, एम इसके लिए भी लेंगे, इसके लिए भी लेंगे, कंप्लीट के लिए एम है तो एम एम क्या है, एम मॉलिक्यूल्स है तो एम मॉलिक्यूल्स ही टूट करके एम मॉलिक्यूल्स देंगे तो यहाँ पे क्या होगा एम होगा और एम होगा। इलेवंथ के क्लास में पढ़े थे सी के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एम एम आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मोबिलिटी ऑफ केटायन, बोलो कितना होगा मोबिलिटी ऑफ एन आयन, केटायन का कितना कैसे पता चलेगा, ये संख्या नहीं है ना इस तरह में जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स एन और ये कितना हो जाएगा, बोलो क्लियर है ये चीज। और म्यू कितना होगा, अभी गलत बोलोगे ना टोकू होती है उसको क्यों जोड़ेंगे, क्या पहले भी जोड़ रहे हैं कि मोबिलिटी निकाल करके, तो मोबिलिटी अलग चीज है, म्यू क्या है नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ आयन से है तो कितने है नंबर ऑफ आयन होना एक्स प्लस वाई ही है ना। अब उसमें मोबिलिटी को जबरदस्ती क्यों घुसाओगे, मोबिलिटी तो एक प्रॉपर्टी है कितना आयन कहाँ जा रहा है इस चीज को दिखाने के लिए, लेकिन न्यू क्या लिखा गया है आयन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय वन मोर सबस्टेंस ये दिखाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई ही होगा, ठीक है। जबरदस्ती का एम को मत जोड़, हो गया आगे बढ़ने, आप देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं एक्टिविटी ऑफ के टाइम एंड के आयन, एक्टिविटी ऑफ के आयन एंड के, तो
एन आयंस के आयंस का एक्टिविटी देखें, तो देखो तो ए प्लस का एक्टिविटी क्या होगा बोलो, आर प्लस एन प्लस, आर क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहां पे क्या दिखा रहा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन को दिखा रहा है, वहां पे हम लोग देखेंगे प्रेशर के बेसिस पर, प्रेशर क्यों देखते हैं क्योंकि गैस था, गैस को हम आंखों से तो नहीं देख सकते लेकिन हम उसी को यहाँ पे मोबिलिटी के बेस पर देखें, तो बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या लिए, आर लिए, अब प्लस 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 क्यों लिखे हैं, के टाइम के लिए है तो तीनों को दिखाना है कि के टाइम का है इसलिए इसको क्या लिए, क्लियर है, आगे देखिए माइनस इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको दे देते हैं इक्वेशन, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए, एक्टिविटी क्या होती है ए होती है, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए ए प्लस एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं था ए माइनस वाई, ये हो गया इसका एक्टिविटी, ये है इक्वेशन टू। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं, बोलो वैल्यू लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर प्लस एन प्लस, ये हो गया होल में क्या है, ठीक है आगे देखो इन टू आर माइनस एन माइनस होल में क्या है, क्लियर है, अब एन क्या होता है यहां पे एन 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 लिखे हो एन इज इक्वल टू मोबिलिटी, और मोबिलिटी में देखो n प्लस का जो वैल्यू है वो कितना है तो एक्स एन, और n माइनस का वैल्यू है वो कितना है वाई एन, तो यहाँ पे भर दे उसको तो भर में क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू आर प्लस एक्स एन का एक्स हो गया इंटू आर माइनस एक्स वाई एन का बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, कैसे नहीं आगे कैसा आया बता जोर से बोल, जोर से नहीं सुनाई देता मैं बता रहा हूँ इसे दो लोग को बोलते रहता हूँ वो बोल जल्दी पता नहीं क्या क्या बोले तुमको ही पता नहीं इक्वल टू आर प्लस एम प्लस और उसका वो इंटेक्ट है ना तो उसमें भी मोबिलिटी है उसमें हम डाली है तो इक्वल टू आर प्लस और जो मोबिलिटी है गेट एम का एस एम और फिर आर माइनस एम माइनस उसका वो वाई है तो उसका मोबिलिटी डाले है तो वैल्यू मिलती है तो आर माइनस वाई एम मतलब कौन कहां से लिया ये समझ में आया ना हाँ तो उसके बेसिस पर ये लिखेंगे अब इसका देखो तो इसको हम सॉल्व करते हैं ए अब देखो इसको अगर हम देखो बुरा से सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कैसा ऐसा एक्स के घात एक्स इंटू वाई के घात वाई को मैं पहले ले लिया उसके बाद जो बचा क्या क्या बचा एन आर प्लस
ऐसा लिख सकता हूँ एम आर प्लस का घात एक्स और क्या लिख सकता हूँ एम आर माइनस का पावर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखो तो एम और एम दोनों सेम है, दोनों के बीच में क्या है गुणा है, ठीक है। तो देखो तो x के घात 2 इंटू y के घात 2 हल करते हो क्या हो जाता है x के घात 2 और x के घात 2 क्या हो जाए, यही होता है। ऐसा ही कर देते हैं, इसको लिखो कि क्या तो a is equal to x के पावर x y के पावर y n के पावर क्या लिखोगे बोलो, लिख सकते हैं इनटू r प्लस के पावर x r माइनस के पावर y। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, क्यों लिखे हैं ये समझ में आया, क्यों लिखे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक प्लस के लिए है दूसरा माइनस के लिए। तो देखो तो उसको एक स्टेप में स्किप करके चल रहा हूं, ऐसे लिखू ठीक है, तो ऐसे लिखनी है। मीन एक्टिविटी देखते हैं इसका, मीन एक्टिविटी तो मीन एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ए प्लस माइनस इज इक्वल टू बोलो ए के घात न्यू होता है, ए के घात न्यू होता है तो ए का वैल्यू देखो कि ये ए का वैल्यू क्या है, क्या लिखूंगा उसको क्या लिख सकते हैं, कुछ तो बोलो उसको बोलो ए प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स के पावर एक्स वाई के पावर वाई का वन हो गया। आगे देखो एन के पावर एक्स प्लस वाई है का पावर है बताइए, उसके बाद देखो आर प्लस एक्स आर माइनस वाई के पावर में नहीं, ये लिखा जा सकता है इसको इक्वेशन भी दे देते हैं। आगे इक्वेशन थ्री में आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई आर किस चीज को दिखाता है, आर किस चीज को दिखाता है एक्टिविटी को इफिशियंट, किसको दिखाते हैं एक्टिविटी को इफिशियंट ठीक है। और दोनों अगर साथ साथ हैं तो ये होता है किसका मीन, मतलब इसको क्या दिखा सकते थे आर प्लस माइनस ये होगा हमारा मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट और दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई वन बाई लिखा जा सकता है। कैसे लिखे इसको देखो तो
मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कोएफिशिएंट को साथ में देंगे तो वही हो गया साथ में लिए। और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम कैसे डिनोट करेंगे तो आर प्लस माइनस वाई से डिनोट करते हैं। और देखो दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय ये क्या है गामा प्लस माइनस गामा प्लस माइनस से इस क्या दिखाते हैं हम लोग तो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को दिखाते हैं। तो गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू आर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं उसी चीज को और ये लिख सकते एक चीज और पता है तुमको अभी भी निकाली थी इसके लिए न्यू का वैल्यू क्या होता है x प्लस वाई होता है क्या लिख सकते हो इसके लिए r प्लस माइनस इज इक्वल टू बोलो r x प्लस इंटू आर माइनस वाई वन बाई एक्स प्लस वाई ठीक है। और बोलो आर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई बोलो ये लिखा जा सकता है कि नहीं ये है इक्वेशन फोर और ये है इक्वेशन फाइव। Equation 4 and 5 define the mean activity coefficient of electrolyte. 4 और 5 क्या दिखाता है तो ये दिखाता है क्या दिखाता है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ले लेते हैं केस वन, केस वन लेते हैं यूनि यूनि वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूनि यूनि वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिखोगे ए बी से यूनिवैलेंट को कैसे लिखते हो ए बी से और ए बी कैसा होता है कैसे टूटेगा ए एक्स बी वाई को लेंगे मान लो मैं कैसे टूटेगा एक्स ए प्लस वाई बी माइनस ठीक है। x is equal to और y is equal to क्यों x का वैल्यू 1 होगा y का वैल्यू 1 होगा क्यों यही तो है यूनि यूनि वैलेंट है मतलब एक प्लस आयन होगा एक माइनस ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा 1 क्लियर है। अब बोलो न्यू क्या होगा यही होगा बोलो आर प्लस माइनस इज इक्वल टू कहां है आर प्लस माइनस ये है स्टोइकोमेट्रिक आर प्लस का पावर 1 इंटू आर माइनस का पावर 1 और होल का पावर 1/2 क्यों 1/1 है लिखोगे तो भी ठीक नहीं लिखोगे तो भी ठीक 1/1 तो हो गया है न्यू की जगह पे तो रख दिए क्लियर है ये जी। आगे देखो ये लिख सकते हो ये लिख सकते ये इक्वेशन 4 से बना है ये इक्वेशन 5 से Thank you.
तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट है किसका, यूनि यूनि वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोएफिशिएंट। एक मिनट एक मिनट, इसमें ये किससे रिलेशन रख रहा है, देखो तो ये रिलेशन रख रहा है ए प्लस माइनस का स्क्वायर होता था और के होता था, ये एक्टिविटी को, एक्टिविटी ब्लैक में जो लिखा है वो एक्टिविटी को दिखाता है और आर क्या दिखाता है, तो एक्टिविटी को इफिशिएंट को दिखाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है ये चीज, क्लियर है कि नहीं, नहीं है। चलो आगे देखिए, एक्टिविटी पर एक्टिवेट हो रहे हो ना, एक्टिवेट हो रहे हैं। चलो दूसरा इसका देखें, तो दूसरा है, दूसरा केस यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इसका एग्जांपल कौन सा होगा, ये होगा क्या होगा एग्जांपल, यही होगा। इसका कहने का मतलब है ए एक्स बी वाई, एक्स इज इक्वल टू वन होगा और या फिर वन होगा या फिर y इज इक्वल टू टू, या फिर x इज इक्वल टू टू होगा y इज इक्वल टू वन, क्लियर है। दोनों में से किसी एक को एक किसी एक को दो ले सकती है, ठीक है। चलो आगे देखो, के टू एस ओ फोर क्या लिखोगे, टू के प्लस प्लस 1SO4 to 9, रेशियो समझते हैं, इस स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, सल्फेट आयन कितना है, सल्फेट आयन कितना है, अंधे हो क्या, सल्फेट आयन कितना है, सल्फेट आयन कितना है, अब तुम लोग टू है, ठीक है। तो यहां पे देखें तो क्या होता है, तो सल्फेट आयन की संख्या हो गई यहां पे कितनी, वन हो गया। चलो बोलो एक्स का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू कितना, न्यू का वैल्यू कितना, 2 प्लस 1, तो न्यू इज इक्वल टू, क्लियर है, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए क्या, एक्टिविटी कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 कौन सा है, ये है, इसमें क्या लिख सकते हैं, r प्लस x की जगह पे कितना लिखूं, x की जगह पे कितना लिखूं, y की जगह पे कितना, हो गया, इसको लिखूं तो भी ठीक, नहीं लिखूं तो भी, आगे लिख 1 by x plus y, न्यू होता है तो x plus y का वैल्यू क्या है, हो गया। दूसरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, q is equal to r plus q into r 1 r minus, यही होगा, ये दोनों आ गया, ये क्या है दोनों के दोनों, दोनों दोनों क्या है, मैं एक्टिविटी, एक्टिविटी को इफिशिएंट,
इसके लिए मीन एक्टिविटी के कोएफिशिएंट ये है, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होगा, सॉरी एक्टिविटी क्या होगा, बोलो बोलो यही होगा। तो इस बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और ये दो केस देखिए, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्लियर है? चलो अच्छा, ये कभी देखे हो K2CrO2 किसका एग्जाम्पल, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, यूनि डाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, किसका एग्जाम्पल, कैसे पता चला, एक है और उसी को देखा, और नाम बोलो उसका, ये भी एक, वो भी एक, इससे काम नहीं चलने वाला,